हेलो एवरीवन, तो वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं सुमित राठी, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पे बात करने वाला हूँ कि कई बार हम लोगों को अपनी लाइफ के ना स्टार्टिंग फेज में सक्सेस नहीं मिलती है, तो हम लोगों को लगने लगता है कि यार लग रहा मैं किसी चीज़ के लायक हूँ ही नहीं। लेकिन बेटा, मेरी तरफ से जो मेरा मानना है वो ये है कि अगर आपको लाइफ के स्टार्टिंग फेजेस में सक्सेस नहीं मिल रही है तो ये आपके लिए एक तरीके का ब्लेसिंग है। आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लेसिंग कैसे हो सकती है, हमें सक्सेस नहीं मिला, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही अच्छे से एग्जांपल के साथ। वो एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से मैच कर जाएगा। जब हम छोटे थे, तो जब हम फोर्थ और फिफ्थ क्लास में थे, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में हम लोगों के लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन थी, हमारी सक्सेस की डेफिनेशन थी कि किसी तरीके से मैं फर्स्ट आ जाऊं। अब आप सोचोगे हम वहां पे फर्स्ट आ भी जाते थे। अब आप एक बात बताइए कि मुझे वो स्टार्टिंग का लाइफ का जो स्टार्टिंग का फेज था, उस फर्स्ट आने के कारण क्या आज के दिन हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप सोचिए उसका साइड इफेक्ट कितना खतरनाक रहता। अगर जब हम फर्स्ट आते थे तो आसपास में पूरी सोसाइटी के लोग, सब लोग क्या सोचने लगते थे कि भाई ये बंदा फर्स्ट आने लग रहा है, ये जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएगा। अब जैसे ही आप बड़े होते जाते हो तो आपके ऊपर एक एक्सपेक्टेशंस का बर्डन लाद दिया जाता है लोगों के द्वारा कि भाई तू तो फर्स्ट आता था पांचवी क्लास तक, तुझे तो कुछ करके दिखाना है। अब जनरली वैसा होता नहीं है भाई, हम ना वहां पे 20 बच्चों की क्लास में फर्स्ट आते थे, पूरी इंडिया के लेवल के थोड़ी ना हम कह सकते कि हम फर्स्ट ही आएंगे। तो उस बर्डन के कारण आप अपना अच्छे से जो आउटपुट दे सकते थे वो आप दे नहीं पाते हो, क्योंकि आपके माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड ये चीज चलती रहती है। तो देखिए, जब भी कई बार स्टार्टिंग में, अब ये एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लो कि आप बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ने लग रहे हो, तो आप जैसे पास आउट होगे तो लोगों को आपसे एक उम्मीद रहेगी कि यार ये अभी रुपए कमा के लेके आएगा क्योंकि तो बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर वहीं पे आप नॉर्मल कॉलेज में पढ़े हुए तो लोगों को पता रहे यार ये वैसे भी ना कुछ ज्यादा खास पढ़ा लिखा तो है नहीं, कुछ भी कर लेगा तो अच्छा ही है। और जब आप इस स्थिति में रहते हो कि भाई आप बहुत बड़े कॉलेज में पढ़े हो और आपके लोगों को आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप जो अपनी इच्छा से कुछ करना चाहते हो, आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ आप बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि उन समय तो रिस्क लेना पड़ेगा, वो आप कर नहीं पाते हो, तो ये आपके लिए एक ड्रॉबैक हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई बंदा नॉर्मल जगह से पढ़ा हुआ है तो उसके लिए क्या रहता है, लोगों को उससे उम्मीद ही नहीं है खास कुछ, तो वो क्या करता है, वो अपने फ्री खेलता है, बिल्कुल फ्री खेलता है, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। तो जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया और जो आसपास में लोगों के साथ ऑब्जर्व किया कि स्टार्टिंग के फेज में कई बार सक्सेस ना मिलने से आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि वो आपके लिए कुछ बड़े रास्ते खोलने लग रहा है, तो कभी भी नेगेटिव ना हो इन सब चीजों को लेके। बट हाँ, काम चोर भी ना बने। कई बार हम लोग ये रहता है कि अरे स्टार्टिंग में तो ना सक्सेस चाहिए नहीं, तो काम चोर बन जाता है। अगर आप काम चोर बन जाएंगे तो आपको जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो अपने ऊपर काम करते रहिए, मन लगा के अपने ऊपर काम करते रहिए। जितना आप अपने आप को ग्रो करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, उतना आपको आगे जाके जो सक्सेस मिलेगी वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। उसके जो इफेक्ट आएंगे, जो उससे आपको हैप्पीनेस डिराइव होगी, वो ज्यादा होगी। तो छोटी स्टार्टिंग के फेलियर से उतना डिस्करेज ना हो, लगे रहें, मन लगा के लगे रहें। ओके, थैंक यू।